पूर्व सांसद आनंद मोहन के समर्थकों में बीजेपी को लेकर भारी आक्रोश नजर आ रहा है। आनंद मोहन के समर्थकों ने बीजेपी नेताओं का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। दरअसल आनंद मोहन को लेकर बीजेपी नेताओं ने जंगल राज रिटर्न्स का आरोप लगाया था। बीजेपी नेताओं के खिलाफ आरा में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के वर्करों ने संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह, नितिन नवीन और शाहनवाज हुसैन का पुतला जलाया है। वहीं फ्रेंड्स ऑफ आनंद के नेता अशोक सिंह ने कहा कि पटना में कोर्ट पेशी के दौरान आनंद मोहन की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वे अस्पताल में इलाज कराने गए। इसी दौरान आनंद मोहन के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर इसे मुद्दा बना दिया। बीजेपी के नेताओं को ये मालूम है कि जिस दिन आनंद मोहन जेल से बाहर आएंगे, उस दिन से बीजेपी की बची खुची जमीन भी खिसक जाएगी। पिछले 12 तारीख को आनंद मोहन जी पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। हम लोग भी थे, वहाँ पे गए थे, हम लोगों को सूचना मिली। वो हमारे नेता हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे वो सब कुछ हैं। उनके सम्मान में अगर कोई भी दल बट्टा लगाएगा, देखिए आलोचना करना है पॉलिटिकल आलोचना कीजिए, कोई बात नहीं है, वाद विवाद कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन करेक्टर के लेके अगर कोई सवाल कीजिएगा तो ये आनंद मोहन समर्थक और बिहार की जनता इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने नेता जो बयान दिए हैं, सुशील कुमार मोदी हो, नितिन नवीन हो, ये शाहनवाज हुसैन हो, गिरिराज सिंह, वो जमाना हमको याद है कि आनंद मोहन जी 90 के दशक में जब बाथरूम में होते थे, नहाते थे, खाना खाते थे, ये लोग घंटों इंतज़ार किया करते थे, और आज इनकी जो हैसियत है वो आनंद मोहन की देन है। आज भी हड्डी में जान है। आज जो इनकी हैसियत है वो आनंद मोहन जी की देन है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव आता है आप आनंद मोहन के दरवाजे पे माथा टेकते हैं, चुनाव खत्म होता है और आप जैसे दूध से मक्खी को बाहर फेंका जाता है वैसे आप फेंकते हैं। राजनीति जो आप कर रहे हैं, अब आपको ये समाज कभी माफ करने वाला नहीं है। आपने उनके आचरण पे सवाल उठाया है। मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर कभी बीमार हो जाए, आपने जेल प्रोटोकॉल और कोर्ट प्रोटोकॉल की आप बात करते हैं, आप अपराधी बताते हैं, अगर आप रास्ते चलते हैं, आप कोई हो, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप नियरेस्ट अस्पताल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आनंद मोहन जी का वो जो पटना का अस्पताल है चांद मेमोरियल, वहाँ बहुत पहले से ट्रीटमेंट हो रहा है। हम लोगों से उन्होंने कहा कि देखो लग रहा है कि थोड़ा सा तबीयत मेरा गड़बड़ा रहा है। हम लोग कहे कि भैया सबसे पहले आप किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए, नहीं तो एक तो ऐसे ही सारी व्यवस्था जो है आपके खिलाफ है, पता नहीं कौन क्या षड्यंत्र कर दे। वो जाते हैं डॉक्टर से दिखाने, कोई कार्यकर्ता सुन लिया, जाएगा कि नहीं जाएगा? बीबी सुनेगी, पत्नी सुनेगी, बेटा सुनेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? आनंद मोहन राजपूत समाज के बड़े नेता हैं। बीजेपी जितना आनंद मोहन का विरोध करेगी उसे उतना ही बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश की रिपोर्ट।